अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पेज नंबर 54 और 55 सॉल्व किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी और आपको समझ आ गई होगी। आज हम लोग पेज नंबर 56 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 56 स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लेट्स मल्टीपल 6, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने 6 का टेबल जो है उसको लेके तो इस पेज को जो है वो सॉल्व करना है। तो इस पेज को जो है वो सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने 6 का टेबल जो है वो अच्छे से उसको लर्न करना है, ठीक है। फिर आप लोगों ने इस पेज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये एक एग्जांपल दी है, बनी इज जंपिंग इन 6, ठीक है। ये बनी दिया है हमें, ठीक है। वो जंपिंग कर रहा है 6 के हिसाब से, ठीक है। मतलब उसने 0 से स्टार्ट किया और उसने जंप किया 6 पे, ठीक है। फिर उसने 6 से फिर जंप किया और दोबारा वो कहाँ पे आ गया, 12 पे, ठीक है। फिर उसने 12 से जंप किया और 18 पे आ गया। तो अब हम लोग जो है वो देख लेते हैं, देखें लाइंस को जो है हम लोग काउंट करके देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये 6 के हिसाब से जो है वो जंपिंग कर रहा है, 6 के टेबल के हिसाब से। देखें 1 2 3 4 5 6, ये देखें 6। फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, देखें 6 1 is 6 6 2 are 12, ठीक है। फिर इसमें 6 हम फिर इसमें जंपिंग करेंगे, ठीक है, 6 के हिसाब से। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 are 18, ठीक है। इसी तरह ये इसी सीक्वेंस के साथ जो है ये आगे जो है वो जंपिंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1, काउंट इन 6 एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स, ठीक है। हम लोगों ने 6 का टेबल जो है वो उसको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, लर्न करना है। फिर हम लोगों ने जो है वो इसमें मिसिंग नंबर जो है वो लिखने हैं, ठीक है। 6 एस को जो है 6 को हमने काउंट करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पे है 0, ठीक है। 0 के बाद जो है हम उसमें 6 और काउंट करेंगे, तो 6 आ गया। अब 6 का आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 6 1 is 6 6 2 are 12, ठीक है। तो हम लोग इसको 6 1 is 6 6 2 are 12 6 3 are 18, तो आप लोग इसको टेबल लिख के भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इस तरह एक सेपरेट पेज पे टेबल लिख लें और फिर आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करें और मिसिंग नंबर देख के तो वहाँ पे लिखते रहें, ठीक है। अब 6 1 is 6 6 2 are 12 6 3 are 18 6 4 are 24 6 5 are 30 6 6 are 36 और 6 7 are 42, ठीक है। अब 7 तक जो है वो हम लोगों ने टेबल जो है ये देखिए, ये 7 तक टेबल जो है हम लोगों ने इधर उतार लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी जो है इसमें देखिए 24 है, ठीक है, 24। तो टेबल में हम लोगों ने देखना है कि 24 जो है वो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, ठीक है। अब 24 से जो है आगे हम लोग जो है हम उसको मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पर लिखते जाएंगे, ठीक है। 6 4 are 24, फिर 6 5 are 30, 6 6 are 36, 6 7 are 42, ठीक है। और फिर ये 6 8 are 48 उन्होंने हमें खुद दे दिया। अब आगे जो दो मिसिंग नंबर है वो हम लोगों ने खुद लिखने हैं, ठीक है। और 6 8 are 42 और 6 9 are 50 जी, तो 6 8 are 48, 6 9 are 54 और 6 10 are 60, ठीक है। ये अब ये देखिए ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया है 10 तक, ठीक है। 6 10 are 60। अब आगे हम देखेंगे, आगे उन्होंने टेबल स्टार्ट किया है 12, ठीक है, 6 2 are 12 से, ठीक है, 6 2 are 12 से। तो अब आगे हम लोग यहाँ से इसको देख के तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। 6 3 are 18, 6 4 are 24, 6 5 are 30, 6 6 are 36 और 6 7 are 42। अब ये दोनों उन्होंने हमें खुद दे दिए हैं। अब नेक्स्ट टू मिसिंग नंबर हम लोगों ने खुद लिखने हैं, ठीक है। 6 8 are 48 और 6 9 are 54। अब ये देखें, अब हम लोगों ने टेबल लिखा था तो इजीली जो है वो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, टेबल लिख के तो उससे देख के आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर मिसिंग नंबर आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कलर द स्क्वेयर्स काउंटिंग इन 6, ठीक है। अब ये स्क्वेयर हमें दिए गए, इसमें से हम लोगों ने 6 के टेबल के सीक्वेंस के हिसाब से इसको ढूंढ के तो उनको कलर करना है। देखिए सबसे पहले उन्होंने हमें बता दिया है कि 6 1 is 6, तो 6 को कलर कर दिया। फिर 6 2 are 12 और 12 को कलर कर दिया। फिर 12 के बाद क्या होता है, 6 3 are 18, फिर हम लोगों ने खुद से जो है वो 18 में कलर करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने 18 में जो है वो कलर कर देना है, ठीक है। अब 3 के बाद 4 होता है, तो 6 4 are 24, अब 24 को भी हमने ढूंढ लिया, अब 24 में भी हमने कलर कर लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, 6 5 are
30, ठीक है। अब ये देखेंगे 30 जो है वो भी उसी लाइन में, इसको भी हमने ढूंढ लिया और इसको भी हमने अच्छे से कलर कर देना है ताकि कलर आपका जो है वो प्यारा लगे और बाहर ना आए, ठीक है। उसके बाद 6, 6 और 36, ठीक है। अब ये 36 भी हमें मिल गया, इसको भी हमने कलर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह आपने इसी सीक्वेंस के हिसाब से 10 तक जो है वो टेबल को ढूंढ के तो आपने इसमें जो है वो कलर करना है, ठीक है। अब ये देखें एक शेप उन्होंने दी है हमें बना के जी, ये देखें उन्होंने बताया हुआ है कि अब बी हाइव सेल है 6 साइड्स, ठीक है। एक शहद की मक्खी जो होती है उसका जो छत्ता होता है, ठीक है, जिसके अंदर वो रहती है शहद को इकट्ठा करती है, उसके जो सेल्स होते हैं उसकी 6 साइड्स होती हैं, वो इस शेप में होता है और उसकी 6 साइड्स होती है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए 6 साइड्स है ना इसकी, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाए, लेट्स मेक द 6 टेबल, कंप्लीट द 6 टेबल एंड लुक राइट देन से एंड राइट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। ये हमें उन्होंने बॉक्स का बना के दिया हुआ है, ठीक है। ये एक बॉक्स है 1, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो कितनी डॉट्स हैं इनको हम काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। बॉक्स कितने हैं 1, ठीक है, और इसके अंदर डॉट्स कितने हैं 6, तो 1, 6 इज 6, ठीक है। इसको हम लोगों ने इस तरह लिख लेना है और इसको हम लोगों ने इस तरह पढ़ना है और हम लोगों ने इसको फिर 1 × 6 = 6, 1, 6 इज 6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं और उसके अंदर जो है वो 6 हैं, दोनों के अंदर 6 हैं, ठीक है। तो 2, 6 और 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे × 6 = 12, जैसे हम लोग टेबल लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये हम लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। 1, 2, 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3, 6 और, ठीक है, 3, 6 और 18, 3 का टेबल हम लोग 6 तक पढ़ेंगे तो क्या आता है 18, ठीक है। फिर हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे 3 × 6, 3, 6 और 18, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 है और ये सबके सेंटर में जो अंदर है इसके 6 ही हैं, सब में 6 6 हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 6 ही आएगा, सबके सेंटर में 6 आएगा। 4, 6 और 24, 4 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो 20 है, तो 4, 6 और 24, तो 4 × 6 लिखेंगे हम लोग 4 का टेबल 6 तक या 6 का टेबल 4 तक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 4, 6 और 24, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 1, 2, 3, 4, 5, ये देखें 5 लिख दिया उन्होंने, फिर 6 आर, अब हम 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखेंगे, तो 5, 6 और 30, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 × 6 = 30, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे जो आंसर है ये देखें, ये 6 के टेबल के सीक्वेंस के हिसाब से हमारा आएगा, ठीक है। देखें 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24 और 6 5 = 30, ठीक है। अब नेक्स्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पे आंसर जो है आएंगे, ठीक है। अब ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6 6 आर, ठीक है। 6 6 आर क्या होता है 36, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे 6 × 6 = 36, ठीक है, समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7 6 आर, अब 7 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे हम लोग, 7 6 आर 42, 7 6 आर 42, ठीक है। नेक्स्ट देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8 8 6 आर, अब 8 6 आर क्या होता है 48, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8 × 6 = 48, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर हम लोग काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 9 6 आर, अब 9 6 आर क्या होता है 54, अब यहाँ पे इन्होंने हमें खुद लिख दिया 9 × 6, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये आंसर लिखेंगे 54, शाबाश। अब नेक्स्ट आ जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 6 आर
60, ठीक है, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है। यहाँ पे हम लोग 10 मल्टीप्लाई 6 और इक्वल में आंसर 60, ठीक है। अब लास्ट पे देखें क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो यहाँ पे हम लोग 11 लिखेंगे, ELEVEN, ठीक है, 11, 6, R, ठीक है। अब 11 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है वो 66 आएगा, ठीक है। तो 11 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 66। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12, 12, 6, R। अब 12 का टेबल 6 तक अगर हम लोग पढ़ें तो 12, 6, R, 72, तो 12 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 72, ठीक है। अब ये देखें, अब हमारा जो रिज़ल्ट यहाँ पे आया है तो ये देखें, ये हमारा जो टेबल था, ठीक है, उसके साथ बिल्कुल सेम रिज़ल्ट आया। देखिए 6 1 is 6, 6 2 is 12, 6 3 is 18, 6 4 is 24, ठीक है। और ये सारा टेबल जो है वो हमारा सेम आ रहा है, इसलिए आप लोगों ने 6 का टेबल जो है वो अच्छे से लर्न करना है। बेशक आप लोग सेपरेट पेज पे लिख के रखें, ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई है इस पेज की। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने जो है पेज नंबर 58 और 59, ठीक है, इसमें जो है वो हम लोगों ने 7 के टेबल की मदद से जो है वो इस पेज को सॉल्व करना है। और ये पेज बिल्कुल सेम पेज नंबर जो है 56 और 57 जैसे सॉल्व होना है, ठीक है। तो आपने ये पेज जो है वो खुद सॉल्व करना है, ठीक है, और इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।